हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आपका आधार कार्ड जो है, आपका आधार कार्ड जो होते हैं तो ऑनलाइन जो है आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक है या नहीं है, और लिंक भी तो है कितने अकाउंट के साथ लिंक है। तो अगर आपको ऑनलाइन जानकारी नहीं है तो कैसे चेक किया जाता है मालूम नहीं, तो वीडियो को लास्ट तक तो देखिएगा कैसे चेक किया जाता है। इस वीडियो के जरिए मैं आप लोग को डिटेल्स बताने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा दोस्तों, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं आधार कार्ड तो बनाते हैं, लेकिन आधार कार्ड आप जब भी हम बैंक अकाउंट खोलते हैं, बैंक खाता खोलते हैं ऑनलाइन या तो ऑफलाइन जाके कोई भी ब्रांच में, SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोई भी हो गया, पंजाब हो गया, जो भी बैंक अकाउंट होता है प्राइवेट हो या, उसके लिए आपका पैन कार्ड या तो आधार कार्ड देना बहुत ही जरूरत है। तो आधार कार्ड जो होता है आप अपने, तो इस वीडियो के खास तौर पर मैं बताने वाला आपका कौन सा बैंक अकाउंट के साथ अपना आधार कार्ड लिंक है, पूरा डिटेल स्टेटस में दिखाने वाला हूँ, कैसे चेक किया जाता है ऑनलाइन और कौन सी वेबसाइट यूज किया जाता है, कहाँ जाना है, कहाँ से किया जाता है, वीडियो डिटेल्स बनाने बताने वाला हूँ इस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना होगा, वीडियो तक समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं होता है, पूरा डिटेल्स प्रूफ के साथ में बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। ओके दोस्तों, मैं उषा रंजन और आप देख रहे हैं ऑफिशियल टेकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पहली बार नए आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन घंटे प्रेस करके दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आपको देखिए ऑर्डर जो है यहाँ पे आने के लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो ऑर्डर कार्ड के साथ आपका कौन सा बैंक अकाउंट, कौन कौन से बैंक अकाउंट आपका लिंक है, तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे आना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है UIDAI, सिंपली इसमें टाइप करने के बाद ऐसे करना है। उसके सबसे पहले जो है UIDAI.gov.in का वेबसाइट में आपको क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार का आपका वेबसाइट डिटेल्स इसमें शो कर जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो आपका जो है सबसे जाना पड़ेगा सबसे ऊपर जो है माय आधार का सेक्शन में आपको जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद देखिएगा आपको जो आधार सर्विस जो होता है इसमें देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जाना होगा, इसमें नीचे देख सकते हैं चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक करने का, यहाँ पे देखिएगा आधार लिंक स्टेटस इज फेच फ्रॉम द NPCI सर्वर, यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक तो आधार नंबर 12 डिजिट आधार नंबर, या तो होता है वर्चुअल आईडी जो कि 16 डिजिट का होता है, ठीक है। तो आपको वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी दे सकते हैं, वर्चुअल आईडी आपका आधार कार्ड के ठीक नीचे होता है दोस्तों, और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे दे सकते हैं चेक करने के लिए। उसके बाद नीचे की बात करते हैं, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड इसमें देना पड़ेगा जो कि कैप्चा होता है, इसको फिलअप करने के लिए इसमें साइन OTP के बटन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक OTP भेज दिया जाएगा, उस OTP को आपको नीचे भरना है, उसके बाद चेक करना है। चलिए हम इसको फिलअप कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया। सो आपको क्या करना है, अभी देखिए सेंड OTP के ऑप्शन ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सेंड OTP के ऑप्शन, जैसे मैंने क्लिक किया OTP सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल, आपके OTP जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक है, उस मोबाइल नंबर पे आपके पास एक OTP भेज दिया गया है जो कि वन टाइम पासवर्ड होता है, उस पासवर्ड को आपको यहाँ नीचे फिलअप करना है जो कि इंटर OTP के ऑप्शन सेक्शन में फिलअप करना है। तो यहाँ पे मैं फिलअप कर देता हूँ। तो देखिएगा इसमें फिलअप कर दीजिए, उसके बाद क्या करना है आपको सबमिट के बटन में को क्लिक करना है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा चेक आर्डर बैंक लिखे स्टेटस, कॉन्ग्रेचुलेशन योर आर्डर बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी मेरे आर्डर कार्ड का बैंक अकाउंट वो लिंक है। देखिए आधार नंबर इसमें देखिएगा बैंक लिंकिंग स्टेटस ये एक्टिव इसमें बता रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव है, तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर है, यहाँ पे देखिएगा एक्टिव है। उसके बाद देखिएगा बैंक लिंकिंग कब किया गया इसमें देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 15 तारीख 10 मार्च 2017 को मैंने इसमें लिंक किया था, और कौन सा बैंक इसमें लिंक है यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एक्सिस बैंक, मेरा एक्सिस बैंक के साथ आधार कार्ड लिंक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार देख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इससे क्या होता है कि आधार कार्ड अगर आपके पास लिंक होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए ATM में अगर जाते हैं आपके पास ATM नहीं होता है, तो ATM कार्ड नहीं होने से भी आप बैंक निकाल सकते हैं ATM के जरिए। तो क्या करना है, आपका आधार कार्ड का होना चाहिए, आधार कार्ड के जरिए भी आजकल ATM से पैसा निकाला जाता है दोस्तों। उसके बाद आप गो टू माई आधार के सेक्शन में आपको जा सकते हैं।
ओके दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो के जरिए मैंने डिटेल पूरा प्रैक्टिकल बताया कि आप अपना आधार कार्ड के साथ कौन कौन से बैंक अकाउंट लिंक है। जैसे मैंने इस प्रैक्टिकल बताया, मैं अपना मेरा जैसे कि मेरा यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाया कि मेरा जो आधार कार्ड जो है वो एक्सिस बैंक के साथ लिंक है, पूरा इसमें शो कर जाता है। तो इसी प्रकार आप अपना भी डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। आई होप कि दोस्तों बताई गई जानकारी आपको काफी पसंद आएगा। पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के प्रेस करके दबा दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।